यहाँ पे जो है मम्मी और आंटी दोनों रेडी हो चुकी है और मम्मी बना रही है रील्स। ये देख लीजिए मम्मी का, आजकल की सास ऐसी होती है। तो जी सभी लोग यहाँ पर तैयार हो गए हैं और तैयार होकर के जो है हम लोग निकल रहे हैं अपने मामा जी के यहाँ। तो इस तरह से यहाँ सेटिंग किया जा रहा है क्योंकि मम्मी को जो है पालथी मार के जाना पड़ेगा और यहाँ से मुश्किल से है जो है 11 किलोमीटर है। तो हम लोग जी गांव पहुंच गए हैं और इस गांव का नाम है कैथी। सबसे अपार हर्ष हो रहा है बहुत आनंद। पिताजी के ननिहाल जालो। ये मेरा भाई है। अच्छा भाई है। मेरी बहन है, मेरी मामा की बेटी है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो मम्मा भी रेडी हो गई, बेतू भी रेडी हो गया। मम्मा बेतू रेडी, बोलो बोलो। मम्मा बेतू रेडी हो गए, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो। मम्मा बेतू रेडी हो गए, मुझे नीनी आ रही है, तो चलते हैं नीचे। यहाँ पे जो है मम्मी और आंटी दोनों रेडी हो चुकी है। मम्मी बना रही है रील्स और आंटी साथ दे रही है। बगल में चिपके हुए हैं क्योंकि हमको रील बनाना आता है। अपने पोता के साथ में पूरा रील बना देना जी। ठीक है, हमको बोली है छोटी जो क्रियांश के साथ में दारे रील बना देंगे। हाँ अभी चलिए बना देंगे। ये देख लीजिए मम्मी का, आजकल की सास ऐसी होती है। और मेरा खाना यहाँ लगा हुआ है। हेलो, हाय गाइस, हाय। अरे बहू बोलती आज पत्री आ रही है। देखिए कैसे रील चलता है। का काम पत्र से नहीं हुआ, वो पेल पत्र से नाम दे। तुम लेना। तो देख लिए आप लोग कैसे रील बनता है मम्मी का। A few moments later. तो जी सभी लोग यहाँ पर तैयार हो गए हैं और तैयार होकर के जो है हम लोग निकल रहे हैं अपने मामा जी के यहाँ। और सारा सामान सब जो है ऊपर है, तो सारा सामान सबको लेकर के चलते हैं नीचे। तो यहाँ जी गाड़ी तैयार है और सारा सामान भी लगभग जो है यहाँ आ चुका है। हम लोग सोच रहे थे कि कुछ सामान को ऊपर भी रखना पड़ेगा, लेकिन सामान सब जो अंदर हो गया एडजस्ट। पहले बैक रख, बैक रख, ड्राइवर सीट पर रख। सबका एक एक बैग है, दो दो बैग है। सबका दो दो बैग हो गया है और आदमी हो गए हैं यहाँ पर चार। अच्छा, ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ सेटिंग किया जा रहा है क्योंकि मम्मी को जो है पालथी मार के जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मम्मी आगे चली आई। अच्छा है, सब पीछे आराम से बैठना तुम लोग। लड्डू लड्डू कह मम्मी, गाड़ी बाहर निकल के तब ले लिए ना सर, लाता ही सब बचन कर दे तो अंदर। वो हम इन्हीं टाइम वही रखते हैं गाड़ी में रख। बंधो उसको, बंधो ना उसको। क्या कितना चीज रख भी, कुछ सामान पीछे रख ले कुछ। मोटा पात कम नहीं है तो काले का एगो लैपटॉप है ना। हाँ सनरूफ है यहाँ पर, खोल सकता है। इतना परेशान हो गया है, हमेशा कहाँ से सीखा है, गो 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 कर रहा है कम से। क्रियांश वहीं जाएगा, क्रियांश घर में रहेगा। आप स्वेटर पहनोगे? स्वेटर इसका जाके बताओ। कल रात में माँ इसको स्वेटर पहना के सुला, इतना पनी कैसे ठीक हो। तो गाड़ी जी बाहर आ गई है और सभी लोग, बस मम्मी बैठी हुई है, बस बाकी लोग के बैठने का इंतजार है। अच्छा पीछे चार लोग हो जाएंगे ना। तो घर से जी सभी लोग निकल चुके हैं और आधा रास्ता, जो आधा तो नहीं लगभग कह सकते हैं कि एक तिहाई रास्ता जो है हम लोग तय कर चुके हैं और हम लोग शाम के 4 बजे तक जो है वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लिया और मम्मी का जो है पैर ठीक है। ठीक है, पकड़ते हैं इसको। आ जा, तो मम्मी भी थोड़ा अपना जो है पैर सीधा कर ली
और सामान मम्मी के पास जो है थोड़ा ज्यादा खासा हो चुका है। गेट लगे या तुमसे क्या लगा दे वहां से? नहीं लगे, लगा देंगे हम। लग जाता लग जाता। चलिए लग गया गेट और क्रियांश भी जो है सो गया है। अच्छा है कि क्रियांश सोते सोते वहाँ पर पहुँच जाए। One hour later. हम लोग अभी बीच रास्ते में रुक गए हैं और यहाँ पर ले रहे हैं डीजल। गाड़ी में थोड़ा सा तेल ले लेते हैं फिर चलते हैं। सोच रहे हैं कि शादी फंक्शन के समय जो है तेल की दिक्कत नहीं हो, बीच में भरवाना नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ से जाएंगे हम लोग फिर उसके बाद जो है एक दो दिन बाद जो है बारात भी निकलना है। तो सोचा कि जब तक गाँव में रहेंगे पूरा कोटा जो है गाड़ी में लेकर के ही चलते हैं। और फिलहाल क्रियांश भी सोया हुआ था और क्रियांश भी अब जो है जग गया है। घूमना है, घूमो। जी बीच रास्ते में और यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो है रसगुल्ला और गुलाब जामुन तो ये अपना पैक करवा रहे हैं। और यहाँ से मुश्किल से है जो है 11 किलोमीटर है, गली है इसलिए 20 मिनट, नहीं तो और थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं हम लोग। और क्रियांश जो है अपना बाहर निकल गया है, इसको ऐसे ही बाहर निकाल दिया करते हैं। बिल्कुल इसको निकालना बहुत जरूरी रहता है वरना अंदर में तबाही मचा देता है। अच्छा खासा है क्रियांश, कुछ लेना है तुमको? तुम भी बताओ। हाँ क्या लेना है, क्या लेना है बताओ। 20 minutes later. तो हम लोग जी गांव पहुंच गए हैं और इस गांव का नाम है कैथी। और जस्ट अब घर जो है लगता है आसपास ही है, मुश्किल से लगता है 50 मीटर के आसपास ही होगा। आगे जो है सरस्वती पूजा का विसर्जन हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा जाम लगा हुआ है यहाँ पर, तो इंतजार कर रहे हैं वो जाम के हटने का। जैसे ही वो जाम हटेगा तो हम लोग जो है फिर निकलेंगे यहाँ पर। तो कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे अपार हर्ष हो रहा है और बहुत आनंद हर्ष की अनुभूति हो रही है। यहाँ बुलाया भाई जागवानी में है और अपनी दादी के मायके, और अब मैं भी दादी बन चुकी हूँ यहाँ आए, इसलिए अपनों से मिलने के बाद लोगों को क्या खुशी होती है आज मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। वहाँ जाने के बाद सिर्फ एहसास किया नहीं कर। तो वहाँ पर हमारी दुल्हे राजा जी है, दुल्हे राजा तो दुल्हे राजा जो है यहीं पर है। दुल्हा राजा बेचारा बैक करा रहा है गाड़ी का उधर। क्या ले लो उसको, डरना हाँ कहते गाना बजे छ ठीक। ये मेरा भाई है। अच्छा भाई जी कभी हम देख लिए ना तो हमरा लगे जे जब चिन्हल आदमी जी पहचान के मेरी दादी मिल लिए। मेरी दादी जो है दादी का ही हम लोग बन सकते हैं और मनोज को हम धन्यवाद देते हैं हरदी की आज हम लोग को इस अवसर पर बुलाया और यहाँ आने के बाद अपार हर्ष की अनुभूति होती है और अपनों से मिलने के बाद कितनी खुशी होती है वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। चलो चलो सामान उतार उतार हो जाए चोर नहीं छे कहीं रखे खूब खुश रहा चुन्नी और चोरी चुन्नी मौसी अच्छा मेरी बहन है, मेरी मामा की बेटी है। अच्छा वैसे मेरे पिताजी के मतलब छोटे भाई बहन भी है, चाची भी है। चाची भी अच्छा रिश्ता से तुम लोग जोड़ कर देखते हो, हम तो अपनी माँ के रिश्ते से। क्या
तो जी पहुंच गए अपने मामा जी के यहाँ और भाई की शादी में पहुंच गए और मम्मी सब जो है अंदर है और ये हमारे एक और भाई साहब हैं, क्या नाम है बाबू आपका? किशन। तो ये भी अपना YouTube चैनल स्टार्ट किए थे, क्या नाम है? UPSC ब्लॉग। ओके, तो उसमें क्या करते हैं? मोटर ब्लॉगिंग। तो चलिए जी, तो यहाँ पर सभी लोग आ गए और सामान सब अभी गाड़ी में ही सारा लेके करके जो है घर लेकर के चलते हैं। फिलहाल जो इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है यह वीडियो जो है मजा आ रहा होगा। मम्मी सब आई हुई है, सभी लोग आए हुए हैं, पूरी फैमिली है यहाँ पर। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी हमारे कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।